एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। क्या सोच रहे हैं आप लोग, मैं किसी पार्टी फंक्शन में खड़ा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं खड़ा हूँ अपने 3BHK फ्लैट के छत पे, जहाँ पे आप पार्टी फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह का ये पूरा स्टेज बनाया गया है जिसमें आप बर्थडे, एनिवर्सरी, 15th अगस्त सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये पूरी सोसाइटी के लिए ये पूरा छत बनाया गया है। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट है, इस बिल्डिंग में टोटल 16 फ्लैट हैं। और यहाँ आप देख लीजिए छत हम लोग ने कैसा बनाया है, बहुत ही बेहतरीन। एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, यहाँ जो दीवार हम लोग ने दी है उसमें देखिए इस तरह का हम लोग ने जो लाइट्स है वो यूज़ किया है। आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ। इस तरफ भी बहुत अच्छा सा आपको स्पेस मिल रहा है, देखिए यहाँ इस तरह का ये पूरा जगह आपको मिलता है। चेयर जगह जगह पर लगाया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास हम लोग ने यूज़ किया है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको सिटिंग स्पेस मिल जाता है, यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं। चेयर बहुत ही सुविधाजनक अच्छा सा लगाया गया है। और साथ में इस तरफ आप देखिए, यहाँ आप चाहें तो इसको बार सेक्शन बना सकते हैं जब आप पार्टी फंक्शन कर रहे हैं। उस तरफ आपने देखा वहाँ पे बुफे लगाया जा सकता है। एक बेहतरीन जो फ्लैट है उसके ऊपर जो छत है वो आपको मिल रहा है। इस तरफ देखिए, ये पूरा आपको छत मिल रहा है। मैंने छत के चारों तरफ आपको राउंड लगवा दिया है। और जब फ्लैट के अंदर हम लोग चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे फुल्ली ऑटोमेटेड जो फ्लैट है वो आपको मिलेगा। रिमोट से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी। तो यहाँ से मैं ज़्यादा आपको लेट नहीं करूँगा, सीधे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ जो इसके नीचे फ्लैट बना हुआ है वो। आइए चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने रिमोट वाले फ्लैट में। ये रहा रिमोट, मैं ऑन कर रहा हूँ ड्राइंग रूम, ये आपका ऑन हो गया। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको ओपन करके दिखाऊंगा, बट जैसे ही हम अपने फ्लैट में आएंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम हमने यहाँ पे दिया है। कैमरा यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा क्लोज करिए। आप बाहर से कौन आपसे मिलने आ रहे हैं आप सारा देख सकते हैं, ये सामने का व्यू है। यहाँ बटन है लॉक अनलॉक करने का, ये आप देख पा रहे होंगे। और आप यहाँ भी देख लीजिए, इस तरह का यहाँ बटन भी है और साथ में कैमरा भी है, दोनों चीज़ें यहाँ दी गई है। और जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे तो ड्राइंग रूम तो आपको मिल ही रहा है, इसे आप जो रिमोट है उसी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं सारे बेडरूम का भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले इसका दिखा देता हूँ। इसे आप पूरा इस तरह से ऑफ कर सकते हैं और ऑन ऐसे हो जाएगा। आप एक एक लाइट्स भी ओपन करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा पीछे जाइए राहुल, ताकि दिख जाए। देखिए इस तरह से ये लाइट्स सारा आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक एक लाइट इस तरह से आपकी ऑन हो जाएगी। और सेम इसी तरह का कंट्रोल आपको आपके बेडरूम में भी मिलेगा। एक बार इस तरफ आइए, जैसे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग ने एंट्री ली, ये पूरा आपको ड्राइंग रूम मिला। आप इस तरह से लेआउट भी देख लीजिए। और यहाँ आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, इसमें इस तरह से लाइट ऑन हो जाएगी। जब यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ हम लोग ने कॉमन वॉशरूम दिया है, इसमें सेंसर वाली लाइट लगी हुई है। और साथ में इस तरफ आइए राहुल, मॉड्यूलर किचन यहाँ मिलता है, ये भी रिमोट से ऑपरेट होगा, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो सेकेंड बेडरूम आपको मिलता है वो यहाँ मिलता है, इसके साथ हम लोग ने अटैच वॉशरूम और बैल्कनी दी है। और इसका भी लाइट देखिए इसी से ऑन होगा। और यहाँ जब आप आएंगे थर्ड बेडरूम में तो यहाँ भी इसी रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह का पूरा। तो आपने लेआउट भी देख लिया, समझ भी लिया। अब हम लोग बारी बारी से पूरे फ्लैट की डिटेल देख लेते हैं। राहुल पूरा फ्लोरिंग आप दिखाइए, पीछे जाइए। देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको ड्राइंग रूम मिलता है, बहुत ही बेहतरीन इसका साइज़ है। आप 8 से 10 आदमी बड़े आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये दीवार देखिए, इस तरह की पूरी आपको दीवार मिलती है। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सानवी रियल एस्टेट दिल्ली जैसे शहर में सस्ते प्राइस में आपके लिए एक से एक फ्लैट लेके आता रहता है। और इस तरह की वीडियो अगर आप रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ड्राइंग रूम आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ देखिए ये पूरा टीवी पैनल दिया गया है। यहाँ आप अपना टीवी लगा सकते हैं, जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। और साथ में इस तरफ
हम लोग ने मंदिर के लिए भी थोड़ा इस तरफ आई राहुल, आप मंदिर के लिए पूरा स्पेस निकाला गया है यहाँ, ये सारे स्लॉट्स हैं बनाए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भगवान जी को रख सकते हैं, यहाँ भी एक स्पेस बना के दिया गया है। तो इस तरह का ये पूरा ड्राइंग रूम में आपको जगह मिल रहा है। अब ड्राइंग रूम मैं इस तरफ से दिखाता हूँ, थोड़ा आप गेट की तरफ जाइए ताकि दोनों तरफ से ड्राइंग रूम दिख जाए। हम चाहते हैं आप हमें टीवी में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको वहीं बैठे बैठे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इस तरह का पूरा ड्राइंग रूम अभी आपने देखा। अब चलिए यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ इस बिल्डिंग के सामने, किस तरह की आपको रोड मिलती है। ये रोड मिलती है, इसी रोड से आप अपने इस घर में आएंगे, साथ में जहाँ आप अपनी कार पार्क करेंगे वो पूरा इस तरह का आपको पार्किंग मिल जाता है। इस फ्लैट में आपको लिफ्ट भी मिलता है और कार पार्किंग भी मिल जाती है। देखिए बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा दिखेगा, इस तरह से पूरा आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिखने वाला है। अब इस फ्लैट का जो फर्स्ट बेडरूम है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बहुत ही स्पेसियस बेडरूम आपको मिलता है और साथ में विंडो भी मिलता है। वहीं से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा इस तरह का स्पेस है, किंग साइज का बेड लगा हुआ है। पीछे देखिए वॉलपेपर के साथ साथ हमने इस तरह का डिज़ाइन भी लिया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो भी मिल जाती है। यहाँ देखिए इस तरह का यहाँ आपको विंडो मिलता है, टीवी पैनल भी यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें दिखाने की। इस तरफ दिखाइए यहाँ ये पूरा वार्डरोब हम लोग ने दिया है, ड्रेसिंग टेबल भी इसमें बनाया गया है, मिरर हम लोग ने इसमें लगा दिया है और इसमें जो सीलिंग की डिज़ाइन मिलती है वो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी कॉब लाइट LED लाइट्स के साथ आपको मिल रही है। अब एक बार मैं चाहूँगा कि जो ड्राइंग रूम है उसकी भी सीलिंग की आप डिज़ाइन देख लीजिए। दिखाइए राहुल इस तरह का पूरा आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन यहाँ मिल जाता है, झूमर भी हम लोग ने इसमें लगाया है। अब बात कर लेते हैं जब यहाँ पे आप बैठे हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने गेस्ट के साथ फैमिली के साथ कर रहे हैं, हैंड वॉश करने की ज़रूरत है तो यहाँ इस तरह से ये वॉश बेसन वैनिटी के साथ हम लोग ने प्लेस किया है कि यहाँ से भी आके आप हैंड वॉश कर सकते हैं और जो कॉमन वॉशरूम है उसके साथ भी यूज हो जाएगा। मिरर भी यहाँ इस तरह से दिया गया है, अपने फिंगर टच से आप इसका लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, कहीं रेडी हो रहे हैं तो यहाँ भी आपको लाइट की कमी ना हो। और जो कॉमन वॉशरूम है वो आपको यहाँ मिल जाता है इस तरह से। और यहाँ जहाँ पे वॉश बेसन दिया गया है उसके ठीक साथ में जगह हम मिल रहा था, हम लोग ने इसे कोशिश की है यूज़ करने की, इस तरह से हम लोग ने प्लेस कर दिया है। आप चाहें तो बार सेक्शन बना सकते हैं या किचन से रिलेटेड कोई भी क्रॉकरी आइटम यहाँ रख सकते हैं। बड़े सारे स्पेस भी आपको मिलेंगे, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है और यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है और इसी के साथ आपको मिलता है मॉड्यूलर किचन। इसमें कुछ काम बाकी है, आप थोड़ा पीछे जाइए राहुल, एक बार पूरा स्पेस दिखाइए फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इस तरह का पूरा जो किचन है वो आपको मिलता है। इसमें भी आप चाहें किचन को तो रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, जो आप लाइट जलाना चाहें वो लाइट्स आप जला सकते हैं। एक बार मैं सारा ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, आप चाहें तो एक लाइट्स इस तरह से जला सकते हैं, दूसरी यहाँ जलेगी, तीसरी ऐसे, तो इस तरह से सारी लाइट्स आप रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए। अब चलिए आइए यहाँ फ्रिज का स्पेस दिखाता हूँ, यहाँ पर अपना फ्रिज रख सकते हैं, जितना बड़ा भी फ्रिज यूज़ करते हैं। पैंट्री हम लोग ने दिया है, किचन में आपको जगह की कमी बिल्कुल नहीं खड़ेगी, इस तरह का पूरा आपको किचन मिलेगा। और साथ में एक और ऊपर दिखाइए सीलिंग की इस तरह की पूरी आपको डिज़ाइन मिल जाती है। बड़े सारे कैबिनेट्स आपको मिलते हैं और वो भी कैबिनेट्स हम लोग ने सॉफ्ट क्लोज के साथ बनाया है। देखिए बहुत तेज़ी से भी आप लगाएंगे तो बहुत आराम से लगेगा, इस तरह का जो कैबिनेट्स है वो यहाँ मिलता है। ये बड़े सारे कैबिनेट्स आपको मिलते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चिमनी आप दिखाइए, इस तरह का आपके हाथ के इशारों से चलेगी, इस तरह से आप करेंगे स्पीड बढ़ जाएगा, आप ऐसे फिर दूसरी तरफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, देखिए जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये फ्लैप है वो बाहर आ जाएगा, इस तरह से देखिए बाहर की तरफ आ जाएगा ताकि जो धुआं है वो इसे खींच सके और ऐसे ये बंद हो जाएगा। यहाँ भी बड़े सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं दोनों तरफ, देखिए ये सारे स्पेस आपको मिलते हैं। यहाँ सिंक भी हम लोग ने यहाँ पे साउंड प्रूफ दिया है, अगर आप तेज़ी से भी बर्तन रखेंगे आवाज़ बहुत नहीं आएगी और इसे आप अपने हिसाब से नीचे ऊपर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नीचे अगर पानी की ज़रूरत है तो ये नीचे आ जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट भी ये हो सकता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाता है, RO हम लोग ने लगा दिया है और चिमनी तो आपने देखी ली।
अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड बेडरूम की, लेकिन एक बार मैं फिर से रिमोट ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ कोशिश की है फ्लैट को, बेडरूम को, ड्राइंग रूम को ऑटोमेट करने की। यहाँ एक एक करके आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये सारे लाइट्स आपके ऑन हो जाएंगे। यहाँ किंग साइज का बेड लगाया गया है, उसके बाद भी दोनों तरफ स्पेस मिल रहा है। यू टाइप की यहाँ पूरी जो अलमीरा है, जो वार्डरोब है, वो आपको मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने वॉशरूम की। दिखाइए, इसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिलता है और साथ में बैल्कनी भी मिलती है। विंडो भी यहाँ पे दिया गया है और इसके साथ ये बैल्कनी मिल रही है। बैल्कनी का भी डिज़ाइन थोड़ा अलग रखा गया है। आप बैल्कनी देखिए, फिर मैं टीवी पैनल दिखाता हूँ। आ जाइए, ये रहा आपका टीवी पैनल, यहाँ आप टीवी लगा सकते हैं। एसी की वायरिंग भी हम लोग ने करके दी है, यहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। और इसमें जो सीलिंग की डिज़ाइन मिलती है वो इस तरह से आपको मिल जा रही है। अब चलिए देख लेते हैं थर्ड बेडरूम। आइए, इसका भी एक एक करके लाइट ऑन कर लेते हैं। इसमें अलग अलग भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, पूरे फ्लैट में या एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑफ करेंगे, एक साथ पूरा ऑफ हो गया और इस तरह से सारा ऑन हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगेन बड़े साइज का किंग साइज का बेड हम लोग ने यहाँ लगाया है, फिर भी आपको इस तरफ जगह मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। और बैल्कनी आपको इस बेडरूम के साथ भी मिल जाता है। अब जो इसमें टीवी पैनल मिल रहा है वो यहाँ आपको मिलता है। देखिए इसमें भी हम लोग ने फोकस लाइट लगाए हैं इस तरह से। यहाँ आपको टीवी पैनल भी मिलता है, नीचे दो ड्रॉर्स मिलते हैं। और इसी के साथ जो इस तरफ वार्डरोब मिलता है, आप इस तरफ आ जाइए राहुल, यहाँ से दिखाइए, इस तरह का ये पूरा वार्डरोब आपको मिल रहा है। और यहाँ भी हम लोग ने स्टोरेज के लिए जो कैबिनेट्स हैं वो बना दिए हैं। इसके पीछे बैक वॉल में हम लोग के लिए वॉलपेपर लगाया है और साथ में इस तरह का डिज़ाइन भी दिया है। और ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन भी आपको मिल जाती है। तो दिल्ली जैसे शहर में सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने जो अभी आपको फ्लैट दिखाया, जिसका आपने टेरेस देखा, और ये जो फ्लैट है मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे कंप्लीट ऑन ऑफ कर सकते हैं और चाहे तो एक एक करके भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। सेम सिचुएशन पूरे फ्लैट में है। मैं इसे भी अगर दिखाऊं तो यहाँ इस तरह से आप एक बार में ऑन ऑफ कर सकते हैं सारी लाइट्स, और चाहें तो वन बाई वन भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपको देखने को मिला फ्लैट्स। इस फ्लैट को अगर आप विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए। जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस फ्लैट के विजिट करवाएंगे। और ऐसे चाहें तो आप और भी फ्लैट हमसे देख सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में है, सस्ते प्राइस में है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप इस पर लोन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसा फ्लैट दिल्ली जैसे शहर में लोन पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेट्रो स्टेशन के पास सारी सुविधा हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, गैस कनेक्शन हो, आसपास में सारी चीज़ की फैसिलिटी, लाइक लोकल मार्केट हो, ई रिक्शा हो, कैब हो, वो अगर कोई देता है कहाँ पे, दिल्ली जैसे शहर में, और कैसे लोन पे, तो वो दे सकता है सिर्फ और सिर्फ सानवी रियल एस्टेट। तो लेट बिल्कुल मत कीजिए, फटाफट कॉल कीजिए। और साथ में जाते जाते देखिए नाइट व्यू इस फ्लैट के टेरेस का। थैंक यू।